शिवाजी महाराज एक महान मराठा शासक थे। उन्होंने 1674 में रायगढ़ किले पर खुद को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके नेतृत्व में मराठों ने सूरत, कन्नौजी और पन्हाला जैसे महत्वपूर्ण किले पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया, इसमें उन्होंने सहिष्णुता और गरीबों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनकी कुशल राजनीति और वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। उनके संघर्ष और समर्पण ने स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की और वे आज भी वीरता और संघर्ष के प्रतीक हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मध्यकालीन भारत में एक नवयुवक ने अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते हुए भी एक सपना देखता है, और वो सपना था स्वतंत्रता का, और उस युवक का नाम था शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने देशभक्ति और धर्म के प्रति समर्पित थे। संघर्ष से भरपूर रातों के बाद उन्होंने साहस और विवेक के साथ स्वतंत्रता की ओर अपना पथ चुना। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई किले जीते और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज की कहानी वीरता और स्वतंत्र के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। उनकी उपलब्धियां हमें आज भी प्रेरित करती हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय शिवाजी महाराज जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान योद्धा, राजनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। शिवाजी महाराज का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरण कीड़े पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया।